हिंदुस्तान के एक आदिवासी गांव का बच्चा, नाम चेंद्रू। उसका एक दोस्त बाघ, नाम टेंबू। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी, दूर दूर तक चर्चा हुई। दोस्ती की दास्तान स्वीडन के एक फिल्म निर्माता ने बड़े पर्दे पर उतारी। चेंद्रू की धूम दुनिया भर में, अलग अलग देशों में लोग उससे मिलना चाहते। वो हवा में उड़कर सात समंदर पार गया, लोग उसे छू छू कर देखते। बाहों में लोकप्रियता बटोरे वो अपने वतन लौट आया। इसके बाद ये देश चेंद्रू को भूल गया। 50 साल वो गुमनामी में खोया रहा, और जब उसे लोगों ने याद किया तो काफी देर हो चुकी थी। सितंबर 2013 को चेंद्रू हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। कोई 16-17 बरस पहले की बात है, मैं एक फिल्म के सिलसिले में बस्तर के जंगलों में भटकते हुए गढ़बंगाल जा पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात चेंद्रू से हो गई। मेरे साथ बातचीत में चेंद्रू बेहद भावुक हो गया, और हम दोनों एक बार फिर यादों के जंगल में भटकते हुए 50 बरस पहले के बस्तर में जा पहुंचे। घने जंगलों, नदियों, झरनों और पहाड़ों से घिरा बस्तर आदिवासी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर। बस्तर जंगली जानवरों और आदिवासियों के बीच दोस्ताना रिश्ता। इस रिश्ते को नई पहचान दी गढ़बंगाल के चेंद्रू ने। चेंद्रू के पिता और दादा अच्छे शिकारी थे। एक दिन वो जंगल से लौटे तो उनके साथ एक टोकरी थी। उन्होंने टोकरी चेंद्रू को थमा दी। चेंद्रू के लिए ये एक शानदार तोहफा था। चेंद्रू ने धड़कते दिल से टोकरी खोली। वो सोच रहा था, आखिर क्या होगा इसमें, मीठे मीठे आम या ताजे अजगर का गोश्त, जंगली लाल बंदर या फिर रंग बिरंगी मछलियां। लेकिन ये क्या, ये तो एक बाघ का बच्चा था। चेंद्रू ने नाम रखा टेंबू। दिन भर चेंद्रू और टेंबू गांव में दूसरे बच्चों के साथ खेलते। चेंद्रू टेंबू को भैंस और बकरियों का दूध पिलाता। उसे लेकर नदी में मछलियां पकड़ने जाता। उन दिनों चेंद्रू एक तीर में ही मछली का शिकार कर लेता था। तब तक टेंबू नदी के ठंडे ठंडे पानी में हिलोरे लेता। कभी कभी चेंद्रू की दोस्त भी टेंबू को मिलकर नहला देती। उसका हाथ लगाता था और उस रस्सी को पकड़ के खींचता था, इसलिए मेरे भी साथ मिल गया तो मेरे को भी कुछ नहीं करता रहा। मेरे साथ आता था, मेरे साथ जाता था, मेरा पीछे पीछे आता था, कभी आगे आगे चलता था। वो उसको मेरे को डर नहीं लगा, बाद में मेरे को भी वो भी नहीं डरता था, तो मैं उनके साथ दोस्ती हो गई। वा,
उन दिनों जंगल के बाशिंदों और गांव के लोगों में कोई दुश्मनी नहीं होती थी। कभी अचानक चेंद्रू को टेंबू के साथ खेलते हुए तेंदुए भी मिल जाते, वो उनके साथ भी खेला करता। और जब चेंद्रू टेंबू लौटते तो चेंद्रू की मां चावल पकाती। चावल पत्ते में रखकर टेंबू, चेंद्रू और उसकी बहन खाते। इसके बाद टेंबू जी तो गहरी नींद में लुढ़क जाते और चेंद्रू और उसकी बहन अपने दादाजी के पास जाते और उनसे शिकार की कहानियां सुनते। सिलसिला चलता रहा। टेंबू अब जवान हो रहा था। चेंद्रू उतना बड़ा नजर नहीं आता था, लेकिन बाघ कम उम्र में ही जवान दिखने लगता है। लिहाजा चेंद्रू को टेंबू के लिए मछली और चिकन का बंदोबस्त भी करना पड़ता। दोनों की दोस्ती की दास्तान आसपास के गांवों में फैल चुकी थी। जाने कैसे समंदर पार तक उड़कर जा पहुंची और एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर गोरे लोग आए। वो अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लाए थे। और इस तरह दोस्ती की ये दास्तान बड़े पर्दे पर आ गई, द जंगल सागा के नाम से। And Chandru was a very charming and lovely boy, intelligent. It was very easy to communicate with him. So I decided he could make the main role of the film. The main role. स्वीडन के जाने माने फिल्मकार और ऑस्कर अवार्ड विजेता ऑर्ने सक्सडोर्फ ने फिल्म क्या बनाई, दुनिया भर में धूम मच गई। This is Riga, a gaunt woman from the caste of weavers. She has married Jinju, a hunter from the tribe of Moryas. In the view of the Moryas, such a connection is a crime against the gods, a betrayal of one's own tribe. The story of Ginju's ostracism, a scapegoat of tribal taboos, echoes the ancient Nordic sagas, only this is the Indian jungle. Human fate seems inevitably destined in this cruel, beautiful, wild nature. The village is faced with a leopard threat. Ginju feels his sin would be washed away if he frees the village from this threat. Unfortunately, in the darkness of night, he shoots another beast, the tiger. But the Moryas hold the tiger in sacred esteem.
फिल्म का संगीत पंडित रविशंकर ने तैयार किया था। सिनेमा घरों में इस अनोखे रिश्ते को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। फिल्म में 2 रुपए रोज पर काम करने वाला चेंद्रू स्टार बन चुका था, बस्तर की मुरिया जनजाति का हीरो। Die Langura-Affen hoch oben auf den grünen Zweigen kennen ihn gut und kreischen erschrocken, als sei ein Tiger nahe. Gesang tönt herüber vom Gotul, dem Hause der Jugend. Die Erde von Gotul ist heilig. Hirsche und Wildschweine können die Felder verwüsten. Argwöhnisch muss man über die Ernte von morgen wachen. मैं तो पहले मैं नहीं जानता था, वो सरकार से मिलकर उधर आया, ये गांव-गांव घूमता रहा हूँ। अच्छा। सब गांवों में कहाँ ये होगा, कहाँ मिलेगा, ये सरकार से कुछ बोला और यहाँ काम किया हमारे भारत में। स्वीडन में दर्शक इस असली हीरो को पास से देखना चाहते थे, लिहाजा फिल्म के निर्देशक उसे कुछ समय बाद स्वीडन ले गए। चेंद्रू को वहां काला हीरो कहा गया। स्वीडन में चेंद्रू फिल्म निर्देशक आर्ने के घर ही ठहरा। चेंद्रू को स्वीडन की यादें कुछ इस तरह ताजा थीं, मानो कल की ही बात हो। स्वीडन में वहाँ से उसका घर भी तो थोड़ा जंगल में है, वो अकेला घर जैसा है, उधर शहर वहर नहीं है उसके पास, एक दो घर है ऐसी, और बहुत दूर में 2-3-4 घर है, वो ये दुकानदार जैसे कोई बिक्री करते हैं वो वाला। वहाँ से जाते हैं तो वो जंगल में रहता है, उसका वो उसका जंगल खूब बड़ा है, वो उसमें जानवरों को पालन पोषण करता है वहाँ। साल भर चेंद्रू ने स्वीडन देखा और स्वीडन के लोगों ने चेंद्रू को, चेंद्रू शहर शहर घूमता था, लोग उसके इर्द गिर्द मंडराते थे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और जिनमें चेंद्रू के साथ एक दुभाषिया होता था। साल भर वो स्वीडन में स्टार की तरह रहा। आर्ने की पत्नी चेंद्रू के साथ बिताए दिनों को हमेशा याद करती रही। वो खुद भी अच्छी फोटोग्राफर थी और उन्होंने चेंद्रू की दुर्लभ तस्वीरों के साथ एक शानदार किताब लिखी। I think it was very much that he was such a lovely boy, and I tried to find an idea, story. And as it was in the jungle, we live in the jungle, I found that if I could get a small tiger cub, then I could make a story that I had made in the book. आखिरकार एक दिन चेंद्रू वतन लौट आया। लौटते हुए वो समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचा। उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी चेंद्रू की लोकप्रियता के किस्से सुन चुके थे। उन्होंने चेंद्रू से मुलाकात की। मैं स्वीडन से वापस आया और उससे मैं मुंबई में रुका। मेरे को बोला वो जवाहरलाल मंत्री ने, तुम जाके पढ़ लेना, पढ़ने के बाद कुछ दे दूंगा,
कुरुपुरी बोला, तो मैं पढ़ने में नहीं गया, गया था मेरा पिताजी ने मना कर दिया, पीर से जाओगे ये घर में कौन रहेगा। नेहरू जी से मिलने के बाद चंद्रू गढ़ बंगाल चला गया। चंद रोज बाद टेंबू चल बसा। उदास चंद्रू ने जिंदगी की सूनी प्लेट में रंग भरने के लिए बस्तर की परंपरा के मुताबिक घोटुल में अपने लिए पत्नी खोज ली। दरअसल घोटुल बस्तर में जवान लड़के लड़कियों का एक उत्सव है। इसमें रात भर युवक युवतियां नाचते गाते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इसके बाद की कहानी चंद्रू की गुमनामी की कहानी है। अपने वतन लौटकर चंद्रू कुछ दिन तो स्वीडन के स्वप्न लोक में खोया रहा और फिर एक दिन धड़ाम से नीचे आ गिरा। पचास साल तक वो अपने इस कच्चे घर में जिंदगी बसर करता रहा। रोज नदी में जाता, मछली पकड़ता, चावल खाता और सो रहता। सुबह सुबह सेल्फी के इस पेड़ पर चढ़ता और मटकी से घर भर के लिए सेल्फी उतार लाता। सेल्फी बस्तर का एक लोकप्रिय ड्रिंक है। ये वहां के लोगों के लिए जीवनदाता पेड़ है। करीब 15-16 साल पहले मैं भटकते हुए चंद्रू के पास जा पहुंचा था। वो उस दिन बेहद उदास था। उसका शरीर थकने लगा था, बीमारियां सताने लगी थी। उसकी पत्नी को सपने में भी गुमान नहीं था कि उसका पति कभी फिल्म स्टार माना गया था। कभी कभी चंद्रू को पुरानी यादें सताती तो वो जवान हो रहे बेटे को लेकर उन जगहों पर जाता जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। जाने माने डॉक्यूमेंट्री निर्माता प्रमोद कुमार जब 40 साल बाद वहां पहुंचे तो उन्होंने फिल्म जंगल सागा गढ़ बंगाल के लोगों को दिखाई। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जंगल ड्रीम्स भी बनाई थी। गांव के लोगों ने ये फिल्म पहली बार देखी थी, लेकिन तब चंद्रू ने यह फिल्म नहीं देखी। फिल्म दिखाए जाने के वक्त वो दूर अंधेरे में अकेला बैठा फूट फूट कर रो रहा था। कुछ गरीबी हालात से नहीं जाता हूं उधर, पैसा वगैरह मेरे से नहीं है, मेरे पास पैसा वगैरह तो इसलिए नहीं जाता हूँ। कुछ मिट्टी कोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं सभी जगह, तब हमको सपोर्ट पालन पोषण होता है। चंद्रू मुझसे बात करते करते भी रो पड़ा। वो गंभीर रूप से बीमार था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओझा से झाड़ फूंक कराता रहा। बेटे के लिए वो कोई जमीन जायदाद छोड़कर नहीं जा रहा था। उसे इसका बेहद अफसोस था। उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार इस साल 18 सितंबर को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव के लोगों ने परंपरा के मुताबिक
नाचते गाते चेंद्रू को विदाई दी। साठ साल पहले दुनिया भर में बाघों से दोस्ती का पैगाम देने वाले चेंद्रू की मौत पर किसी ने उसे सार्वजनिक तौर पर श्रद्धांजलि देने तक की जरूरत नहीं समझी। चेंद्रू एक आदिवासी इलाके में रहता था, इसलिए जब वो इस दुनिया से गया तो उसे याद करने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी। सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज में ऐसे तमाम गुमनाम नायक हैं और जब वो जाते हैं तो हम उनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं समझते।